देखिए, इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है और पर्दे के पीछे से चुनाव को प्रभावित करने की उनकी आदत जा नहीं रही। देश के केंद्रीय मंत्रियों का इस राज्य के कई जिलों में आगमन है, और सिर्फ आगमन ही नहीं, भ्रमण और परिदर्शन ही नहीं, उसके अलावा अधिकारियों से बैठक, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों से बैठक, एनजीओ के प्रतिनिधियों से बैठक, ये इस बात की तरफ इंगित करता है कि राज्य में जो चुनाव संपन्न होने हैं उस चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की दिशा में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी का सुनियोजित षड्यंत्र है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से ब्राइबिंग है, और हम लोग इस ब्राइबिंग के खिलाफ यहाँ पर आए थे। चुनाव होना है, वैसे स्थिति में यदि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में मंत्रीगण हैं उनके द्वारा यदि यहाँ आने का काम किया जाता है, चाहे वो जिस प्रकार से बैठक यहाँ पर कर रहे हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो एनजीओ, खासकर जिनको सरकार से जो पैसे मिलते हैं और जिनका पेनिट्रेशन गांव के अंदर में है, उन तक यदि बात पहुंचाई जाती है, उनको यदि प्रभावित की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से ब्राइबिंग है, और हम लोग इस ब्राइबिंग के खिलाफ यहाँ पर आए थे। हमने अपनी बात रखी है, आप देखे होंगे अखबारों में जो केंद्र सरकार के जो जनजातीय खासकर मामलों में, क्योंकि जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर सभी जनजातीय जिले, और वहाँ पर उस विषय को लेकर विज्ञापन प्रकाशित करना एक एक पन्ने का, ये साफ दर्शाता है कि पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट यहाँ दलीय आधार पर है, जबकि आचार संहिता कहता है कि किसी भी दल का या जनप्रतिनिधि का हस्तक्षेप इस पंचायत चुनाव में नहीं होगा। तो उसी के खिलाफ आज हम लोग आए थे, अपनी बात को रखें। देखिए, इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है और पर्दे के पीछे से चुनाव को प्रभावित करने की उनकी आदत जा नहीं रही। तंत्र का उपयोग करके जनतंत्र को कलंकित करने का जो प्रयास है वो बार बार बदस्तूर जावेद। हमारा जो विरोध है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि किस प्रकार से केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा बिल्कुल टारगेटेड तरीके से, सुनियोजित तरीके से आकांक्षी जिलों का चयन करके उनमें परिदर्शन के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, जिला अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है, कार्यों की समीक्षा के नाम पर उनको जिलाधिकारियों को दबाव डाला जा रहा है, और साथ ही साथ सेल्फ हेल्प के ग्रुप के लोगों के साथ और एनजीओ के सदस्यों के साथ बैठक की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं से हर वो मुमकिन तरीका दिखाई देता है, और साथ ही आप देखेंगे कि अखबारों में विज्ञापन तक प्रकाशित कराए जा रहे हैं। तो हम इस बात का विरोध करते हैं, एक सजग राजनीतिक दल होने के नाते, कि जब चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है तो स्वतंत्र रूप से लोगों को निर्वाचित होकर के आने दें, और एक चुनी हुई गांव के लोगों के द्वारा गांव के लिए सरकार बनने दें, न कि आपकी जो परिभाषा है कि नेताओं के द्वारा नेताओं के लिए चुनी हुई सरकार बनाने के लिए आप लोग जो प्रयत्नशील रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी, जो कभी भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता था, आज देश और दुनिया में भारतीय जुगाड़ पार्टी के नाम से जाना जा रहा है। तो ये जुगाड़ तंत्र बंद होना चाहिए। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि इस राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है, और ये 9 अप्रैल से ही इस राज्य में लागू है। उसके बावजूद भी जिस तरह से देश के केंद्रीय मंत्रियों का इस राज्य के कई जिलों में आगमन है, और सिर्फ आगमन ही नहीं, भ्रमण और परिदर्शन ही नहीं, उसके अलावा अधिकारियों से बैठक, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों से बैठक, एनजीओ के प्रतिनिधियों से बैठक, ये इस बात की तरफ इंगित करता है कि राज्य में जो चुनाव संपन्न होने हैं उस चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की दिशा में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी का सुनियोजित षड्यंत्र है। इसलिए हम लोगों ने बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी आपत्ति आयोग के सामने में दर्ज कर दी है, और आयोग से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि आप इस पर अविलंब कार्रवाई करें, और जो लोग आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं उनके ऊपर में और उस पार्टी के ऊपर में कार्रवाई आपके द्वारा की जानी चाहिए। उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि हम संबंधित जिले के अधिकारियों से, पदाधिकारियों से हम बात करेंगे, उनका लिखित रिपोर्ट आने के आधार पर ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे। The followup.in, like, share, and subscribe.
www.thefollowup.in